दी इन्फो लाइट के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रूहानी दुनिया में फैसले हो चुके, कुछ घंटे बाकी। 22 सितंबर को इमरान खान के साथ क्या होने वाला है? पीर पिंजर सरकार के तहलका खेज इंकशाफात। दोस्तों, पाकिस्तान की मारूफ रूहानी शख्सियत पीर पिंजर सरकार ने अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में बताया है कि रूहानी दुनिया में फैसला हो चुका है। 22 सितंबर को इमरान खान पर लगने वाली तोहीन अदालत का कुछ नहीं होगा। अब हालात इमरान खान के हक में हैं। चंद हफ्तों में हालात 360 डिग्री बदलेंगे और इमरान खान वापस इकतदार में आएगा। उन्होंने मजीद बताया कि पीडीएम के ज्यादा रहनुमा, जिनमें मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो शामिल हैं, सब भागने वाले हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 2023 अमेरिका की तबाही का साल है और अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा सर उतार देना। पीर पिंजर सरकार का कहना था कि अगले 2 माह इमरान खान के लिए मुश्किल ज़रूर हैं, मगर हालात उनके हक में हैं। उन्होंने अजीबोगरीब बात की कि वो नाअहल भी हो जाएं तो अगले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान और उसके बाद सदर पाकिस्तान बनेंगे। पीर पिंजर सरकार ने कहा कि पूरी पीडीएम मिलकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ जब तक चेहरे पर दाढ़ी नहीं सजाएंगे, वो ना सियासत में आ सकेंगे ना ही मुल्क में वापस आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये बात साबित ना हुई तो मैं 20 लाख रुपए दूंगा। पीर पिंजर सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल दी इन्फो लाइट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।